कत्ल का इल्जाम जमाल पर आ गया। पुलिस जमाल को पकड़कर थाने ले गई है। क्या हुआ बेटा, क्यों आधी रात को तुम चीखे मारो, हुआ क्या? जमाल को पुलिस थाने पकड़ के ले गई है। कत्ल का इल्जाम में गिरफ्तारी से लेकर अदालत और जेल तक कैद और खुसूसन घर वालों पर गुजरने वाले कर्मनाक लम्हात पर मबनी ड्रामा पेश किया गया वुमेन जेल कराची में। अभी अब्बा जी की तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा बुरा अटैक हुआ है उन्हें। ड्रामा देखकर हर कैदी ने इसे अपनी कहानी तसव्वुर किया। मेहमान खुसूसी आईजी जेल भी दाद दिए बगैर न रह सके। इनोसेंट कोई भी हो सकता है, जैसे अभी हमने प्ले में देखा, 20 साल सजा पाने वाला या मर्डर की सजा पाने वाला भी बेगुनाह हो सकता है। उसको भी वकील की ज़रूरत है, उसको भी लीगल एड की ज़रूरत है। वो कोई नहीं हमें फराम कर रहा था, तो JPP ये कमी हमारी पूरी कर रही है। हमारा जॉइंट वेंचर है और यही है कि इंशाल्लाह इससे हमारे कैदियों को भी फ़ायदा होगा और ओवरऑल वैसे भी ये अच्छा होगा हम सब के लिए। सिंध की वुमेन जेल में ऐसी खवातीन कैदी भी हैं जिन्हें अदालतों से फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हाईएस्ट केस जो रेट है क्राइम लिस्ट, उसमें मर्डर्स में है इन्वॉल्व, किडनैपिंग फॉर रैनसम में है और नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है। सजाए मौत में हमारे पास इस वक्त 4 लेडीज यहाँ पर हैं, 1 हैदराबाद में है और टोटल जो लाइफ इंप्रिजनमेंट में है वो 27 है, जिनको लाइफ सेंटेंस ये के मिल चुकी और बाकी अंडर ट्रायल है। जो अंडर ट्रायल का रेशियो है वो 141 है। जेल इंतजामिया और फलाही तंजीम ने सजाए मौत पाने वाले गरीब कैदियों को कानूनी मदद देने के लिए सिंध भर की जेलों से रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। कैमरामैन शफीक दिलशाद के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज़ कराची।